गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज आज आ रहा है पार्ट 6 ऑफ अनजानी शादी एंड ये सेकेंड लास्ट पार्ट है गाइज। इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट बचा रहेगा जो कि द एंड है। तो एंडिंग अच्छी होगी या बुरी वो तो आपको कल ही पता चलेगा, बट ये है सेकेंड लास्ट पार्ट और बहुत ज़्यादा मजा आई मुझे ये सीरीज बना के। बाकी तो आपको लास्ट पार्ट में पता ही चल जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है जिनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, शादी को लेकर, दहेज को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें एक लड़की को फेस करनी पड़ती है, और बहुत ये सब चीज़ें दबी रहती है, किसी को कुछ पता नहीं रहता। बट मेरा ये स्टोरी जो था, इस स्टोरी के पीछे यही कंसर्न था कि एक लड़की क्या चीज़ों से जाती है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो ये बस मुझे एक मैसेज कन्वे करना था आपको। तो बाकी सब तो मैं आपको कल लास्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ, बट मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, बाकी अगर किसी की लाइफ की ऐसी कुछ भी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो पूरी आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, आप शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। या अगर आप चाहते हो कि मैं सारी ऑडियंस को आपकी स्टोरी के बारे में बताऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरी इंस्टा ID है baby_diva_1818। आप आरती साबुन का टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। तो अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो सबके साथ, वो आपकी प्राइवेसी के साथ होगा गाइस, कि आपका नाम अगर आप चाहते हो मेंशन ना हो या जो भी आप चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी लोगों तक आपकी स्टोरी पहुँचाने के लिए। सो येस, तो आप देख कर आ जाइए नेक्स्ट पार्ट, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आरती दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज रोना बंद करो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो यार? मैं ही गलत थी। मेरी बात तो सुनो तुम। तुम ये गलत कर रही हो यार, कमरे में तुम अपने आप को बंद करके क्यों रख रही हो? ऐसा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? बोलो। पता नहीं। ये क्या होता है पता नहीं? मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं सुननी। मत करो ऐसा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है, मत खोलो, तुम वहीं बैठे रहो, मुझे मेरे कपड़े लेने दे दो। मैं देती हूँ। हाँ, मेरे सॉक्स पड़े रहेंगे, देखो दे दो वो मुझे जल्दी। हटो 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 हटो, क्या हुआ? मेरी बात सुनो पहले, तुम ज्यादा समझ में आ रहा है तुमको? चुप, एकदम चुप, मेरी बात सुनो पहले। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, चलो तुम रिया से बात कर लो, तुम रिया को खुद फोन लगाओ और उसे पूछ लो, ठीक है? फिर तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी। आ जाओ, चलो फोन करो उसको। मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो तुम, मैं कब से बोल रहा हूँ तुम्हें, चलो सीधा कर लो उसको फोन करो। तुम करो उसको फोन, मैं बोल रहा हूं ना। हेलो हेलो, यस, मैं राज की वाइफ बोल रही हूँ। तुम कल यहाँ पे क्या करने आई थी? स्पीकर पे रखो ना फोन। क्या क्या कहा तुमने? तुम कल यहाँ पर क्या करने आई थी? मैं तुम्हारे घर पे, वो राज ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, उसने कहा उसे मेरी बहुत याद आ रही है तो मैं आ गई उससे मिलने। रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुमको कब बुलाया? तुम झूठ बात मत करो, यहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तुम झूठ मत बोलो। अरे यार ये झूठ बोल रही है, तुम क्या रो? अरे मुझे कोई बात नहीं सुननी, अभी ये भी गलत बोल रही है ना, सब आप ही सच बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो, सिर्फ आप सच बोल रहे हो, राइट?
अरे यार मेरी गलती नहीं मुझे है। स्टोरी नहीं सुननी है। मुझे लगा था कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ नहीं बदला है। आप वैसे के वैसे ही हो। गलती मेरी है, मैंने गलत सोच लिया था। सब गलती मेरी है। मेरी किस्मत ही खराब है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तुम बिना सच जाने ऐसा कैसे कर सकती हो? बस मुझे नहीं रहना है। मैंने कल की टिकट कर ली है। कल मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम रहो उसके साथ खुश। मैं अभी तुम्हारी लाइफ में और इंटरफेयर नहीं करना चाहती। अरे लेकिन मेरी बात कैसे समझाओ? तुमने डिसाइड कर ही लिया है जाने का, राइट? तुम नहीं सुनने वाली हो मेरी बात। अब मुझे ये चीज समझ में आ गई है। एक शर्त माननी पड़ेगी मैं तुम्हें। आपकी कोई भी शर्त क्यों मानूं? तुम जाना चाहती हो ना, तो तुम्हें ये मानना हाँ पड़ेगा, ठीक है? तो शर्त मेरी ये है कि जाना ही है ना हाँ तुम्हें। तो एक काम करो, तुम ना मुझे डिवोर्स देकर चले जाओ, ठीक है? हाँ, डिवोर्स दे दो मुझे। वैसे भी मैं ये ड्रामे से बहुत थक गया हूँ। तुम्हें नहीं रहना है, ठीक है, तुम चले जाओ। डिवोर्स पेपर्स आ जाएंगे कल, तो वो साइन कर कर करके चले जाना। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अपनी लाइफ जियो, आराम से मज़े करो। जब तुम्हें मानना ही नहीं है मेरी कोई बात, तुम्हें समझना ही नहीं है कुछ भी, तो तुम अपना खुश रहो। सही सोचा है तुमने, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मैं बस खेल ही रहा था तुम्हारे साथ, यही सच है, ठीक है? जाओ, खुश रहो। ठीक है। हेलो। हाँ पापा, मैं इंडिया आ रही हूँ। क्यों क्यों बेटा, क्या हो गया अचानक? मैं आपको सब आने के बाद समझाऊंगी, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। बताओ तो मुझे क्या हुआ है? आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको आके सब कुछ बताऊंगी। बस मुझे वहां पर आना है किसी भी हालत में। बेटा मुझे फिक्र हो रही है, प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ है तुम्हारे साथ। आपने दवाई ली? हाँ, लेकिन वो सब छोड़ो, हाँ ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ फिर। पर बताओ तो क्या हुआ है, तुम क्यों वापस आ रही हो? बहुत कुछ हुआ है पापा, मैं आपको आके सब बताऊंगी। कुछ किया है राज ने तो बताओ मुझे। ये बातें फोन पर नहीं हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, तू टेंशन मत ले बेटा, मैं हूँ। तू बस टेंशन मत लेना और कुछ गलत कदम मत उठाना। और तू मुझे बता, कुछ तो बता कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। चीज आपसे शेयर करने वाली थी कि मैं जाने वाली हूँ मोहम्मद अली रोड, सब कुछ ट्राई करने के लिए कि रमजान में क्या क्या अच्छी अच्छी वेराइटीज आई है खाने के लिए। तो अगर आप कुछ भी बेस्ट सजेशन दे सकते हो मुझे, तो वो भी कमेंट में बताना, तो मैं वहां पे जाके जरूर ट्राई करूंगी वहां का खाना। सो कमेंट करके मुझे बोल देना गाइस, भूलना नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, और बताना मुझे आपको सेकेंड लास्ट पार्ट कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।